अब बाजार से बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं। घर पर एक कप सूजी से आप एक टेस्टी, मजेदार और महंगी रेसिपी झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम डालेंगे लगभग 1 कप के करीब सूजी। सूजी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इससे फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं दूध एकदम थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका डो बनाना है। तो इस तरह से मैंने इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बना लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी सूजी एकदम अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम इस डो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम इनमें से एक लुई लेंगे और इसे एकदम सॉफ्ट और राउंड शेप में कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम सॉफ्ट कर लिया है। अब साइड में मैंने एक पैन पहले से ही गर्म होने को रख दिया था। अब हम इस लुई को हाथों के हेल्प से इस तरह से राउंड शेप में कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कर लिया है। अब हम इसे पैन पर डालेंगे और हाथों की हेल्प से हम इस तरह से इसे फैला लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से फैला लिया है। अब हम इस तरह से उंगली की हेल्प से इस तरह से इसके अंदर होल करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके हर तरफ होल कर दिए हैं। आप देख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इस प्रोसेस में गैस की फ्लेम लो पर ही रखनी है। अब हमने जो होल किए थे इसमें हम चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इसमें घी डालेंगे। हमें एकदम थोड़ा थोड़ा ही घी इसके अंदर डालना है। इस प्रोसेस को करने में हमें लगभग 2 चम्मच के करीब घी लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसमें घी डाल दिया है। कुछ ही टाइम में आप देख सकते हैं एक साइड से एकदम अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बेहतरीन आया है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड भी एकदम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो कुछ ही टाइम में आप देख सकते हैं इसकी दूसरी साइड भी एकदम अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों भी एकदम अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट में ही ये एकदम अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे एक साफ सुथरा जार और इसमें हम डालेंगे ये सारे टुकड़े। अब हम इसे एकदम अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे एकदम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। साइड में मैंने गैस पर एक पैन रखा है। जैसे ही हमारा पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 कप के करीब चीनी। चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/4 कप के करीब पानी। अब हम इन दोनों चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमें चीनी को एकदम अच्छी तरीके से मेल्ट करना है। तो कुछ ही टाइम में आप देख सकते हैं हमारी चीनी एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हमें इसकी चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। हमें इसका एकदम हल्का सा चिपचिपा करना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमने जो ग्राइंड करके मिश्रण रखा था अब हम वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसे मिलाते रहना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम पर ही रखनी है और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे एकदम अच्छी तरीके से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने एकदम अच्छी तरीके से मिला लिया है। हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है।
तो आप देख सकते हैं कुछ ही देर में ही धीरे धीरे पैन को छोड़ने लगेगा और ठीक होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। साइड में मैंने एक बाउल लिया है, अब हम ब्रश की हेल्प से इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से घी लगा लिया है। अब हम चम्मच की हेल्प से इसमें सारा मिश्रण डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसमें सारा मिश्रण डाल दिया है। अब हम इसे चम्मच की हेल्प से एकदम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एकदम प्रॉपरली सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये एकदम अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं 6 मिनट हो चुके और ये एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम नाइफ़ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हो चुका है और एकदम मक्खन की तरह इसके पीसेस बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी आज की सूजी की मिठाई पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और साथ ही रेसिपी क्रिएशन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।